डॉलर की ब्लैक मार्केट रोकने के लिए हुकूमती इकदामात रंग लाने लगे। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे कमी से 306 रुपए 98 पैसे पर बंद। उधर बैंक दौलते पाकिस्तान का एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में बुनियादी असलाहत मुतारिफ करवाने का फैसला। कोशाखाना केस में एक और बुलावा। नैब ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। नैब टीम ने जमान पार्क में पीटीआई बुकला को नोटिस मौसूल कराया। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को नैब केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने और कल मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। टैक्स असलाहत के लिए तमाम मुतलका इदारे मिलकर काम करें, निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि टैक्स को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए विफाक और सूबों को बेहतर रवाबित की ज़रूरत है। सरकारी कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। तमाम विफाकी वजारतें निजकारी डिवीजन के साथ मुकम्मल तआवुन करें। और एशिया कप का सुपर फोर मरहला। शाहीनों ने लाहौर के कजाफी स्टेडियम में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फ्लॉप, बड़ा टारगेट देने में नाकाम हो गए। मेहमान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 194 रन का हदफ। मुशफिकुर रहमान और शकीब उल हसन की नेट सेंचुरियां। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, चार खिलाड़ियों को चलता किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कजाफी स्टेडियम की लाइट बंद होने पर खेल कुछ देर रुकना भी पड़ा।